कुमकुम भाग्य। पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी मुसीबत घर की चौखट तक नहीं लांग सकती। आलिया जी, मुझे ये थोड़ा साफ करना था। बाथरूम ढूंढ रही थी, कौन सा यूज करूं? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? ये क्या कर रही है आलिया? शिकार खुद तेरे पास आ रहा है और तू उसे भगा रही है? अच्छा मौका है, अपने जाल में फंसा ले और ले ले बदला। वो कहीं भगवान से ये ना मांगने गई हो कि हमने जो उसे लाइफस्टाइल टेम्परेरी दी है, उसे परमानेंट करना चाहती हूँ। क्या नहीं किया मैंने हमारे प्यार के लिए, और आपने कोशिश ही नहीं की। मैं क्या सवाल करूं आपसे, मुझे खुद नहीं समझ। सवाल तो मैं इनसे भी करना चाहती हूं कि ये और आप, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आपने अपनी दूसरी शादी क्यों कर ली। बस ये पूछूंगी कि आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि जिंदगी भर मेरा साथ देंगे। आपसे 2 महीने इंतजार नहीं हुआ, इतना कमजोर मेरा प्यार क्या आपने इतनी आसानी से बता दिया? यह हमारा रिश्ता था ही बेबुनियाद और मेरा प्यार ही एक तरफा था। आपने कम से कम मेरे कुमकुम का तो लिहाज रखा होता, साथ नहीं कम से कम एक वादा तो याद रखा। आपकी आदर्श चली गई लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप मुझे भूल गए, मैंने हर एक वादा निभाया। मैं आपसे प्यार करती रही, आपका इंतजार करती रही, आपकी जगह किसी और को नहीं दी मैंने, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन आपकी आदर्श लौट आएगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। और ऐसा हुआ तो कम से कम वो सब याद करके ही आप मेरा इंतजार किया होता। प्यार हम दोनों ने किया है तो प्यार का इम्तिहान हर वक्त मुझे क्यों देना पड़ता है? हे भगवान, तुम तो जानती हो ना हम क्या चाहते हैं। मजबूरी है हमारी, नहीं तो हम देवता समान अभिषेक को धोखा देंगे का? एक बात हम मानते हैं, हमको अभिषेक के साथ ही पूजा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मंदिर लोग अपना पाप धोने आता है, हम पाप ही करने आ गए। आपका सामने इतना पत्नी लोग आती होगी नहीं, पति का लंबा उम्र के लिए हम किसी और का पति को अपना पति बता दिए। हमको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह प्रज्ञा का है, उसको उसका जगह उसका पति लौटा दो और हमको इस सब से मुक्ति दे दो। हमसे नहीं होगा ये सब। जब हमको प्रेम से प्रज्ञा बुलाता है ना, तो सच्चे कहें पहले तो हमको बहुत शर्म आता है, पर जब जब सच देखते हैं ना तो खुद पे ही शर्म आ रहा है। अब बहुत हो गया है, झूठ हमारे अंदर अब गले तक भर गया, अब और नहीं बोला जाएगा। और वो आइला और तनु अभिषेक का मेहनत का कमाई लूटना चाहते हैं, वो लोग साइन लेना चाहते हैं कोनो पेपर पे। हमको बचाए लो इस सब से। हम उसके पास वो पेपर लेकर गए तो बिना पूछे ही साइन कर देगा और फिर हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि हम उसको बर्बाद कर दिए। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा और जब तक आएगा तब ना उसके पास पैसा रहेगा ना घर बार ना कुछ। तुम नहीं जाओगी ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तो और कुछ कर तो पाओगी नहीं, ना अभिषेक को बचा पाओगी ना हमारे बच्चा लोगों को। इसलिए हम कह रहे हैं हम भी बात मान लो, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो सीता और गीता है वो दोनों मिल गए हैं। तुम पे नजर पड़ गया ना तो हम नजर बंद हो जाएंगे, बोल रहे हैं जाओ ना तुम। ठीक है,
मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन कल तुम मुझे इसी मंदिर में इसी वक्त मिलोगी और सारे सबूत लेकर आओगी जो ये साबित करे कि तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो। और अगर तुम नहीं आई ना तो याद रखना, वो मेरा घर है, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे ये डिसाइड करने में कि मैं वहां जाकर सारा सच यूं ही सामने ले आऊं। अरे उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, हम कल तुमको मिलेंगे वो भी सबूत का साथ। जाओ जाओ, चिंता नहीं करो, जाओ जाओ। थी तुम कौन था यहाँ पर? हम किससे बतियाएंगे, नहीं था? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब मैंने सुना तुम किसी से बातें कर रही थी, बस किससे बात कर रही थी ये मैं नहीं जान पाई। हम बतिया रहे थे, माता रानी से बतिया रहे थे, बोल रहे थे कि तुम दोनों चुड़ैल से हमको बचा दो। देखो सीधे सीधे बताती हो या उल्टे तरीके से पूछे कि किससे बात कर रही थी। देखो सीधा सीधा बताओ कि यहाँ पर कौन था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची बता दे। हाँ सुन पाओगी तो सुन लो। भगवान जी एगो फरिश्ता भेजे थे, उससे बात कर रहे थे। फरिश्ता? और नहीं तो का, फरिश्ता भेजे थे हमको तुम दो चुड़ैलों से बचाने के लिए। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम्हें बाहर ऐसे अकेले नहीं आना है। अकेले कहाँ आए थे, पूरा परिवार आया था हमारे साथ। मेरा मतलब है मेरे और तनु के बिना, समझी तुम? अब चुपचाप घर चलो, जब तक हम ना बोले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। चलो अब साथ में। देखो मुनि, तुम्हें और कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हें सिर्फ तुम खुद बचा सकते हो, समझी तुम? चलो। मैं गलती तो नहीं कर रही उसकी बात मानकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे भी झूठ बोल रही हो? मुझे उसे कल का वक्त देना ही नहीं चाहिए था, कल तक तो वो कुछ और भी कर सकती है ना, नकली सबूत बना सकती है, सबूत नहीं तो जिस काम के लिए आई है वो भी कर सकती है, कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगी? अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं, माता रानी का कसम खा रहे। अरे हमारे भांजा भांजी छुटका छुटका छुटकी का कसम खा। क्या बात है, दरवाजा खुलते ही प्रसाद भी मिल गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा तुम दादी और बाकियों के साथ बैठी होगी। नहीं हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रही थी? तो थोड़ी देर और रुक लो। का मतलब? मतलब यू माय टॉनिक। थकी हुई आंखों से जब तुम्हें निहारता हूँ ना तो आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। एक साल पहले जो मैंने तोड़ा था आज वही जोड़ने फिर से आई हूं। जिस दिल को पत्थर मैंने किया था आज उसी पर मरहम लगाने लौटी हूं। अभी सेठ जी को मार के एक गद्दी खाली करवा देता हूं। एक बार सेठ जी को मार दू फिर ये गद्दी भावराव की, मतलब आपकी हुई ना। ले भाई तू ही मार जा। सेठ जी आपको आपके देवर भावराव का आखिरी नमस्कार। क्या है ना, अब आप जा रही हैं विनायक दादा के पास, उनको भी मेरा नमस्कार बोलिए। अलविदा सेठ जी। हाँ खन्ना बोल, क्या चाहिए? मैं उल्लुओं से बात नहीं करता, जा जाके महक को बुला के ला। महक नहीं आएगी, उससे बात कर। महक साइन करो, हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। ड्राइवर
नहीं नहीं गाड़ी दो हम चलाएंगे। तेरे से नहीं खा गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता, समझी तुम? क्या दी क्या करन सर, अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो आज की पार्टी बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं तो आपकी लड़ाई में अपना टाइम पास ढूंढ रही हूँ। जानवी, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी मेरी रिपोर्ट के बारे में, मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। तुम्हें चीनी पीने की कसम, तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो जानवी, पर प्लीज किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? पर एक शर्त,